Good morning, 5th class. Today we are going to cover chapter 14 of your English grammar book, that is verbs. तो verbs होते क्या हैं? Verbs होते हैं जो हम काम कर रहे हैं, जो words हमारे काम को describe करें, जो words हमें बताएं कि ये चीज आपको belong करती है, उनको हम बोलते हैं verbs. जैसे रोहन eats आइसक्रीम, तो रोहन आइसक्रीम खा रहा है, तो eats हमारा क्या बन जाता है? Verb. Plays. ये सारे है, क्या है? हमारे verbs. These words are verbs as they tell what a person, animal or a thing, noun does. जो भी noun काम कर रहा है उसको हम बोलते हैं verb. अब देखो next sentences हैं. Juhi is a clever girl. अब यहाँ पे कुछ भी है नहीं है, जो कुछ काम कर रही है, हम तो सिर्फ एक information दे रहे हैं, तो इसमें is आएगा. Is क्या है? Helping verb, जो हमें एक sentence को complete करने में help करता है. Is, was, will, shall, could, कैन, ये सारे जो हैं हमारे वर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं. अब ये वर्ड्स वर्ब क्यों हैं? एज दे टेल व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग, नाउन इज, क्या है वो. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंसेस देखो. एलिफेंट हैज अ स्मॉल टेल, हैव अ बिग हाउस. तो ये हैज हैव भी हमारे वर्ब्स हैं. इनको क्या बोलते हैं? दीज वर्ड्स आर वर्ब, क्योंकि ये बताते हैं कि पर्सन चीज किस क्या है, क्या उनके पास, व्हाट दे हैव. ठीक है जी. So what is a verb? It's mainly a doing verb. Word जो कोई action के बारे में बताता है, जैसे play, sing, teach. A verb also express what a person or thing is. Is वाला is, was, will, shall. और what a person or thing has. और what a person or thing does. तो has वाले में has, have, had आ जाएंगे. अब first exercise देखो. Read the following story and underline the verbs in it. हमने verbs देख लिए हैं, story दी हुई है हमें. An old farmer lived in a village. तो वहां रहता था, तो lived क्या है हमारा? Verb. He had 4 sons. तो has, have, had वाली कैटेगरी में आ जाएगा ये verb. Had. All of them were lazy. तो were. They often quarreled among themselves. मतलब लड़ाई करते थे. Quarreled quarreled भी जो है हमारा verb आ जाएगा. Old man was very much annoyed with it. तो was जो आ जाएगा. बाकी आप खुद सॉल्व करो. अब यहां से हमें पता चलता है कि 3 categories हैं वर्ब की. एक डूइंग वर्ब जो काम करने वाला है, गो, कम, रीड, कॉल, राइट, कट, जो काम कर रहे हैं. बी वर्ब्स इज, एम, आर, वॉज, विल, शैल. और हैज वर्ब्स जो हैज, हैव, हैड. ठीक है, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू एक्सरसाइज बी. अंडरलाइन द वर्ब्स इन फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टेल विच क्लास ऑफ वर्ड्स डू दे बिलोंग. अब हमने बताना है कि ये 3 classes जो है, डूइंग वर्ब, बी वर्ब, हैज वर्ब, ये तीनों कैटेगरीज में से हमें कौन सा पता चल रहा है कि कौन सा वर्ब है. माई मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे. तो मम्मा जा रही है, तो ये कौन सा है? काम कर रहे हैं ना वो, तो ये कौन सा वर्ब बनेगा? डूइंग वर्ब. द बेल रिंग्स लाउडली. तो रिंग्स क्या है हमारा? वर्ब. तो ये भी कौन सा है हमारा? डूइंग वर्ब. ठीक है, बाकी एक्सरसाइज आप खुद सॉल्व करोगे. नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. अब ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब का मतलब क्या है कि हमने देखना है, जैसे माय पेरेंट्स लव मी, तो मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार करते हैं. तो हम क्वेश्चन अपने आप से पूछेंगे किसको प्यार करते हैं? मी. तो इसका मतलब जो मी है वो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है. वर्ब क्या है यहाँ पे? लव. किसके रिलेटेड है? मी के रिलेटेड. इसलिए मी क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब. जैसे कि मंकी ईट बनानास, तो मंकी बनानास लेता है, तो बनानास जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है. और वर्ब क्या है यहाँ पे? ईट. हमेशा ध्यान रखना, जिस चीज के बारे में बात कर रहे हो वो हमारा ऑब्जेक्ट है, और जो हम काम कर रहे हैं दैट इज अ वर्ब. अ वर्ब इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. अ सेंटेंस कैन नॉट बी फॉर्म्ड विदाउट अ वर्ब. तो हर सेंटेंस में वर्ब होएगा ही होएगा. Underline the object to the verbs in the following sentences and write the verb in the space provided. इस exercise में हमने क्या करना है? Object of verb ढूंढना है और verb को देखना है. जैसे कि मोहित likes cricket, तो likes क्या है? Verb. और इसका object to the verb क्या है? Cricket. ठीक है जी. अमृता collects stamps, तो verb क्या है? Collects. काम कर रही है ना वो, collects. और object क्या है? Stamps. Next we see काइंड ऑफ वर्ब्स, कि वर्ब्स के काइंड कौन से हैं. दो तरह के मेनली कैटेगरीज होती है हमारे वर्ब्स की, ट्रांसेप्टिव और इनट्रांसेप्टिव. पहले देखो, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. रतन राइट्स, क्या लिख रहा है पता चला? नहीं, इनकम्प्लीट है, तो ये इनट्रांसेप्टिव है. अनिल लाइक्स, ये भी इनकम्प्लीट है. सो वो कहते हैं हियर द वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कम्प्लीट सेंटेंस. अब यहाँ पे कम्प्लीट नहीं है,
जिनको कंप्लीट करने की जरूरत होती है वो ट्रांजिटिव होते हैं। अब ये वाले जो है हमारे सारे ट्रांजिटिव सेंटेंस वर्ब्स हैं। लेट अस नाउ कंप्लीट देम। रतन राइट्स एट एसे, तो रतन राइट्स एन एसे, तो हमें क्लियरली हो गया कि रतन जो है वो एसे लिखता है, तो वो क्या है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। अनिल लाइक्स होममेड फूड, तो वो भी क्या है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू कल्पना डांस्ड। अब यहाँ पे नहीं पता चल रहा वो क्या डांस कर रही है, किस तरह का डांस कर रही है, तो दैट इज एन इनट्रांजिटिव वर्ब। द विंड ब्लू, ये भी कौन सा है हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब। सो ऑल द सेंटेंसेज मेक अ कम्प्लीट सेंटेंस सेंस, बट द वर्ब डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू मेक अ कम्प्लीट सेंस, इसको बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स। अब इसी के बेस पे हमारी एक्सरसाइज डी है, जो है हमारी अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड मेंशन इट्स काइंड इन द स्पेस प्रोवाइडेड। सुष्मिता सिंह क्या गाना गा रही है, किस तरह का गाना गा रही है, कुछ नहीं पता, तो ये कौन सा है हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब। इंस्पेक्टर अरेस्टेड द थीफ, तो इंस्पेक्टर ने थीफ को अरेस्ट किया, तो ये है क्लियर है किसको अरेस्ट किया, थीफ को, तो ये क्या बन गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।